कहाँ लगा हमारा बंगला? तुम्हारा बंगला? अच्छा है। कुछ बदले बदले से लग रहे हो राहुल। आज मम्मी डैडी के साथ तुम्हारी पहली मुलाकात थी, तुमने ठीक से बात तक नहीं की। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है। हाँ हाँ, तुम्हारी तबीयत तो उस दिन से खराब है जिस दिन से संजना यहाँ आई है। हर बात में संजना को बीच में मत लाया करो प्लीज। एनी प्रॉब्लम बेटा? राहुल कुछ नाराज सा दिख रहा है। नहीं मामा, वो कल मेरी बर्थडे पार्टी है ना, तो कह रहा था कि तुमने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सिर्फ उसकी दोस्त को भूल गई। उसकी दोस्त? हाँ, संजना। लगता है अब उसको पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा। संजना वो शेखर, अब ये मत कहना कि ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठो, ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे डॉल शेखर। मैं गुड़िया नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। चलो संजना। हाय राहुल, बहुत बहुत मुबारक हो। संजना मैं तुम्हें यू नो समथिंग राहुल, यू आर अ बस्टर्ड, अंडरस्टैंड? और वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, वो मंगेतर, शी इज यू नो व्हाट शी इज। इसको भी पता है कि वो क्या है। She is a super जा रही हो? रुक के भी अब क्या करूंगी मैं? राहुल के बिना खुश रह सकोगी? राहुल के मिलने से पहले भी तो खुश थी मैं, आराम से जी रही थी, सब कुछ तो ठीक था। जानते हो शेखर, इंसान को तकलीफ होती है जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी, राइट? इतना मत मुस्कुराओ संजना, तुम्हारी आंखों में छुपे हुए आंसू बहुत साफ दिखाई देने लगते हैं। बस हार गई? हाँ शेखर, हार गई, थक गई अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते। संजना, राहुल तुम्हें जरूर मिलेगा। कल उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि मंगनी उसने मजबूरी में की है। हाँ संजना, मंजिल तुम्हारे बहुत पास आ चुकी है, अब रास्ता मत बदलो, वो देखने की कोशिश करो जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? मैं देख रहा हूं कि राहुल तुम्हारे साथ पेरिस वापस जा रहा है। मेरी तरफ मत देखो संजना, अपनी आंखें बंद करो,
बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। प्लीज संजना, बंद करो आंखें। अब देखो वो घर तुम्हें दिखाई दे रहा है जो तुम खरीदना चाहती थी। वो घर तुम खरीद चुकी हो और उसके आगे कुछ नहीं। संजना उदास मत हो, जो सपना तुमने अभी अभी देखा है वो सच जरूर होगा। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं स्पीक टू संजना। हाँ हाँ एक मिनट, राहुल का फोन है तुम्हारे लिए, कम ऑन। हेलो 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 संजना, कैसी हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ संजू। देखो देखो इनकार मत करना प्लीज, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। संजू मैं तुम्हारा हैप्पी होली में इंतज़ार करूँगा। ओके ए हेलो, क्या कहा राहुल ने? वो मुझसे मिलना चाहता है। इतनी खुशी की खबर तुम इस तरह सुना रही हो? क्या हो, क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं। तो जल्दी से जाके तैयार हो जाओ और सुनो, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाओ, लगता है ये हमारे नाटक का आखिरी सीन है। समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कहाँ से करूँ संजना। जानती हो वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बदनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलता तो है मगर वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसे खो देते हैं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ संजना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। कूल डाउन राहुल, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। इंसान को अपने कल में नहीं आज में जीना चाहिए। अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं? सच बताओ क्या आज तुम अपने कल को भूल चुकी हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो संजना, वरना कल रात मेरी एंगेजमेंट पार्टी में शराब पीकर इतना तमाशा नहीं करती। कल रात मुझे भी एहसास हुआ कि निशा मेरे लिए नहीं बनी, वो एक अलग तरह की लड़की है। और मेरा दिल कहता है कि तुम भी शेखर से प्यार नहीं करती। संजना तुम शेखर को सिर्फ मुझे जलाने के लिए लाई हो, उसके साथ तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक है। प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दो संजना, मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज आई नीड यू संजू, आई नीड यू। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हमेशा से यही तो चाहती थी कि राहुल मुझे वापस मिल जाए, फिर आज उसके वापस आने पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? कहीं इसलिए तो नहीं कि मुझे शेखर से प्यार हो गया है? क्या हुआ? राहुल मेरे साथ वापस चलना चाहता है। मुबारक हो, मतलब कल परसों चली जाओगी? पता नहीं टिकट मिलेंगे या नहीं। टिकट्स की फिक्र मत करो, वो मैं ला दूंगा।
अचानक मुझे भगाने की इतनी जल्दी क्यों है? बहुत तंग किया है ना मैंने तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, अब तुम जाओ तो मैं भी गांव जाऊं, बहन की शादी है, फिर अब तुम यहां रुककर करोगे भी क्या? तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका।